मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो से आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक ओपन बोगी LHB के मतलब फीएड बोगी। सामने जो फीएड बोगी है, इसके जो बोगी असेंबली ऑल पार्ट्स का नाम बोलेंगे और उसके क्लियरेंस बोलेंगे। मैं खड़गपुर कोचिंग यार्ड से हूँ और देखिए, एक खड़गपुर सामने में देखिए, खड़गपुर स्टेशन चत्तर है, इधर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो चलिए, मैं टॉपिक शुरू करता है ओपन बोगी वॉयस सिस्टम के, जो फीएड बोगी होता है और एक टाइप का होता है एयर बेलो सिस्टम के। तो मेरे पास अभी सामने में देखिए वॉयस सिस्टम के आपके बोगी है, इनमें मैं एक्सप्लेन करेंगे पार्ट्स के नाम। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए सामने में जो फीएड बोगी ओपन में है, इनके ऊपर में मैं प्राइमरी सेक्शन और इधर देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन, नेक्स्ट कॉइल सिस्टम और उनके पार्ट्स के ऊपर में जाएंगे। उसके बाद में इनर में जाके एक्सप्लेन करेंगे इसके बाकी पार्ट्स के ऊपर में। ये देखिए प्राइमरी सेक्शन है और देखिए वाई शेप के पूरा जो फ्रेम है ये वाई शेप के होता है और देखिए ये क्रॉस बीम दोनों वेल्डेड रहता है इस तरफ के एक और दो, और इनके अंदर में सब सामान इसी के अंदर में सब सामान बैठते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन में देखिए एक काटी स्टेपर रोलर बियरिंग है और इसमें देखिए स्प्रिंग सेट बैठा हुआ, कंट्रोल आर्म है ये और कंट्रोल आर्म के ये बॉल होते हैं। इसमें देखिए एक आउटर स्प्रिंग और एक इनर स्प्रिंग है, एक वर्टिकल डैम्पर प्राइमरी सेक्शन के लिए और एक कंट्रोल आर्म के लॉग है। आप लोग जानते हैं इस बियरिंग में इधर आपको सेंसर पॉप लगेंगे, क्योंकि हम लोग को WSP सिस्टम है सेंसर पॉप से, इसके अंदर में फोनिक व्हील होता है और इधर एक पॉप होता है और इनमें एक पॉप होता है जिसे दिख रहा है। देखिए अंदर में फोनिक व्हील इसमें बैठा हुआ देख सकता है और इधर आपको स्पीड सेंसर इधर बैठेंगे WSP सिस्टम के लिए। ये कंट्रोल आर्म के जो बॉल है देख सकता है, इधर अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ है और ये आपको ब्लॉक देकर देखिए स्टार्ट देकर और इसको लॉक किया गया है। इस पोर्शन बहुत डेंजर पोर्शन होता है, इस पोर्शन में आपको 3 mm गैप आ जाता है, 3 mm अगर गैप आता है तो रिजेक्टेबल होता है। अभी हम आते हैं आपके बोस्टर सेक्शन में। ये नेस्टल टाइप के बोस्टर है, आउटर इनर स्प्रिंग है, अंदर में देखिए स्प्रिंग को अंदर में देखिए एक पार्ट है जो कि स्प्रिंग को साथ में लगा हुआ है और ये बोस्टर का साथ में उतरा हुआ है, जैसे कि बोस्टर का आपको ये स्प्रिंग बोस्टर का ट्यूब इसके अंदर में है और गाड़ी जब खींचता है तो यही आपको स्प्रिंग को इस तरफ और उस तरफ को खींचता है। एक इधर वर्टिकल डंपर लगा हुआ और एक वर्टिकल डंपर उस तरफ लगा रहेंगे, जिस तरीके के प्राइमरी सेक्शन का वर्टिकल डंपर इधर लगा हुआ एक उधर लगा रहेंगे। तो चार आपके प्राइमरी सेक्शन में 4 वर्टिकल डंपर और बोस्टर सिस्टम में 2 वर्टिकल डंपर, मतलब 4 × 2 = 6 और आपके ये इधर एक योर डंपर लगेंगे और उधर एक योर डंपर लगेंगे। एक पोर्शन में इधर देखिए लेटरल डंपर लगा हुआ, तो मतलब एक कोच में आपको 9 डंपर लगते हैं, एक बोगी में 9 और एक बोगी में 9, मतलब 9 × 9 = 18 आपके डंपर लगते हैं। देखिए लेटरल डंपर उधर लगा हुआ है। हमारे ICF में जिस तरह के पी बोर्ड रहते थे, बॉडी के ऊपर से आके इस पोर्शन में एक होल होता थे उसके अंदर से जाते हैं और पी बोर्ड उनके अंदर से ये बोस्टर के अंदर से लिंक करते थे, लेकिन देखिए इसमें ऐसी कुछ नहीं है, पी बोर्ड इनका यही है पी बोर्ड इस पोर्शन में, लेकिन देखिए बोस्टर का साथ में वेल्डेड है। अभी देखिए मैं बीच में घुस गया है, अभी ये पी बोर्ड के अंदर में देखिए एक लेटरल बम्प स्टॉप है, एक लॉन्जिट्यूडिनल बम्प स्टॉप है, देख सकते हैं ये 6 mm के क्लियरेंस होते हैं, दो तरफ लेटरल बम्प स्टॉप है 25 mm के और एक लॉन्जिट्यूडिनल जो बम्प स्टॉप होंगे उस तरफ होंगे। अभी हमारा आप लोग सोचेंगे कि इसके साथ में बॉडी कैसी बैठता है, तो बॉडी देखिए इस पोर्शन में आपको बॉडी से एक बोल्ट आते हैं और इधर एक तो हेक्सागोनल नट से लगते हैं और बॉडी के AC के ऊपर में आते हैं, बोस्टर के ऊपर में इधर और उधर, जैसे कि हमारा ICA में साइड बैरर का काम करते हैं। दो क्रॉस बीम के अंदर में
आपको ये हो गया सेंटर ट्रैक्शन फ्रेम बैठा है, देखिए ए स्क्वायर जो है सेंटर ट्रैक्शन फ्रेम, और ये ट्रैक्शन फ्रेम में आप देख सकते हैं ये बोस्टर का साथ में लेटरल डंपर इधर लगा है, और दूसरा बोगी में एक लेटरल डंपर इधर लेंगे, इधर लेटरल डंपर एक सिंगल है, इस तरफ कुछ नहीं है, देखिए दूसरा बोगी में इसको डायगोनली लगेंगे, क्योंकि एक बोगी और उस तरफ एक बोगी मैंने एक कोच में दो बोगी लगते हैं। ये ट्रैक्शन सेंटर में एक ट्रैक्शन लीवर लगा होता है, हम दिखा रहे, चलिए इस पोर्शन को बोला जाता है ट्रैक्शन लीवर, और इसमें देखिए ट्रैक्शन रॉड लगा इस तरफ एक और डायगोनली इस तरफ एक, मतलब ट्रैक्शन लीवर को कैसी पकड़ा है, देखिए इधर एक इसको एंकर लिंक भी बोल सकते हैं, और देखिए उस तरफ में एक एंकर लिंक का शरीक लगा हुआ है, और पी बोर्ड देखिए इसके साथ में ऊपर से आके टच होके है, और इधर स्टार्ट देकर देखिए लॉक पिन मारा हुआ है, ये स्टार्ट है तीन ठो, ये तीन स्टार्ट एक लॉक प्लेट है। अभी मैं आते हैं आपके एंटी रोल बार में, देखिए ये एंटी रोल बार के लिंक है, लिंक बोला जाता है, और इसमें देखिए लगा हुआ है, और देखिए बोगी फ्रेम से इधर जॉइंट है, और देखिए रॉड को एंटी रोल बार बोलते हैं, ये रोल बार इधर से लेकर उधर है, सेम कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक देखिए ये लिंक लगा हुआ है एंटी रोल बार का, इस तरफ से उस तरफ आपको रन किया एंटी रोल बार। इस जगह में आप एक गैप दिखते हैं, जबकि बॉडी का लोड इधर से आएंगे तो इस गैप कमेंगे, इसको बोला जाता है वर्टिकल बम स्टॉप या तो सपोर्ट बोगी सपोर्ट, मतलब बोगी फ्रेम का सपोर्ट होता है, इसमें 90 से 95 mm के होते हैं, देख सकते हैं इधर सेम उधर भी वही है, ये आपके कॉइल सिस्टम बोस्टर स्प्रिंग हाई करके इसमें रहेंगे, एयर बेलो में नहीं रहते हैं। इधर से आप देख सकते हैं उधर ब्रेक कैलिपर उधर लगा हुआ है, उस एक्सेल के लिए एक, हर एक्सेल में दो ब्रेक कैलिपर रहता है, ये पीछे का लिए है, और उसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है, और वो पाइप उसके कैलिपर का मैं हिसाब इधर दिखा रहा है, और देखिए उधर से ब्रेक पाइप उधर से घुसा हुआ है जो कि इधर से सप्लाई जाएंगे, इसको ब्रेक कैलिपर बोला जाता है टोटल यूनिट। ये है 640 mm के आपको डिस, और इधर 35 mm के पैड लगा होता है, 7 mm पैड होने से कंडम हो जाते हैं, ब्रेक ब्लॉक इधर भी लगा हुआ है, पैड देखिए इधर लगा हुआ, देखिए इसी सेम एक्सेल में दो डिस्क रहते हैं और दो ब्रेक कैलिपर रहते हैं, ये नॉर बीम्स के कैलिपर है, क्योंकि नॉर बीम्स कैलिपर इस तरीका के दिखते हैं, इधर खांचा रहता है, फेबली होने से इधर गार्ड होता है, और स्क्वाट कंपनी एक जो आया है उनके पिक्चर मैंने डाल देंगे, और देखिए ये कैलिपर पिन है, और इधर देखिए इसको पकड़ के रखा है, इधर देखिए एक कैलिपर नट है, आप इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये टाइट होंगे, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज होता है, जबकि ब्रेक बेंडिंग होता है तभी इसको गैप करने के लिए इसको खोला जाता है। ये सिलेंडर दिखता है, इधर पिस्टन होता है, ये सिलेंडर आपको 10 इंच मतलब 255 mm का होता है, इसमें जो गैप होता है 1.5 मतलब डिस्क का साथ में जो गैप होता है इस ब्लॉक का साथ में 1.5 mm, इस डिस में देखिए कुछ खांचा खांचा का शरीक दिखता है, और इसमें देखिए ये पोर्शन में जो दिखता है ये वाइड जो होता है 110 mm के, और ये है क्या, ये पैड और डिस्क के साथ में जो घर्षण होता है उसको कूलिंग रखने के लिए ये पोर्शन को बनाया गया है। जब भी आप लोग ब्रेक पैड खोलेंगे, ये देखिए क्लिप है, इस क्लिप को स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इस पैड को निकालने से ये इधर घुमा के अगर निकाल देंगे तो पैड निकल जाएगा, देखिए पैड इसी जगह में लॉक हुआ है। आपके 915 mm के होते हैं, और कंडमिंग जब होता है 845 में, अभी नया हो सकता सर्कुलर 855, लेकिन हमारा पास कोई सर्कुलर आया नहीं, इसलिए मैं इसको 845 में कंडम करेंगे। इस पॉइंट में देखिए दो होल है, इधर आपको फ्लेक्सिबल पाइप लगेंगे, और इधर से डंप बल्ब का दो कनेक्शन निकलेंगे, इधर एक ब्रेक पाइप का कनेक्शन, इधर एक इस ट्रॉली के लिए, इस एक्सेल के लिए, और एक पीछे में रन करेंगे, एक इस एक्सेल के लिए ब्रेक पैड के लिए होंगे, और एक दूसरा एक्सेल के लिए होंगे। इधर एक टैग दिखता है, देखिए ये जो डिस्क बना है इसमें डेट पंच किया हुआ है, ये वर्कशॉप से निकला है,
तो इसमें से आपको जब कुछ होता है प्रॉब्लम तो इसमें से छानबीन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ओपन बॉगी के जो आप लोग देखे हैं बॉगी असेंबली पार्ट्स के नेम और उसके डायमेंशन जो मैंने बोले है, शायद मेरे तरफ से आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे होंगे। तो वीडियो मैं इधर ख़त्म करता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।